यहाँ शरद पवार जी साहब ने यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से क्या हज हाउस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। हर बरस में यह आयोजन हो रहा है और हर बरस में शरद पवार जी यहाँ आते हैं। ये ऐसा मालूम होता है कि जिस हज हाउस है हज हाउस में जो प्रोग्राम हुआ है वो हज हाउस में हज हाउस निर्माण करने के टाइम भी ऐसा लगता है कि पवार साहब भी इधर थे और उनकी तरफ से यानी इसमें उसका भी हाथ भाग कुछ लगा है ये हज हाउस के लिए ऐसा कुछ मालूम पड़ा है। और सर्वधर्म समभाव के माध्यम से ये प्रोग्राम शरद पवार जी साहब कर रहे हैं, बच्चे हर समाज में जाके शरद पवार साहब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ऐसे मुस्लिम बांधव मुस्लिम भाइयों कुछ मदद मिलना चाहिए, उनकी भी कोई मांगनी होती है, उनका भी कुछ काम होता है, उनके भी कुछ काम अपने महाराष्ट्र सरकार से यानी अपने केंद्र सरकार से भी उनको भी कुछ मदद करना चाहिए होना चाहिए, ऐसी शरद पवार साहब की भी इच्छा है। जैसे सबको अपन मदद करते हैं मुस्लिम बांधवों को भी मदद करना चाहिए। और ऐसा ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया है तो प्रोग्राम में आके हमको हमें बहुत आनंद मिला है और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहा। मुस्लिम भाई को सभी मुस्लिम भाई को मेरी तरफ से और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ईद मुबारक करता हूँ। जय हिंद जय मां। अभी लाइव होके उनके तरफ से ये जो अभी हमारा जो लाइव हो रहा है हाँ उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उनका भी ये काम बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा ही इसके आगे उनका काम अच्छा होना चाहिए ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मुंबई के राहुल साहब की विचार सुने, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। हज हाउस मुंबई रफीक अहमद सैयद संपादक। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जनाब शरद पवार जी हर साल हज हाउस में इस बार पार्टी रखते थे, यहाँ पे कई बड़े बड़े नेता और बड़े नामवर लोग आए थे। हमारे बम्बई के जाने माने जनाब सुरेश सिद्धू साहब यहाँ तक मौजूद थे, जो एन सी पी के वाणिज्य सेल के वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनसे इंटरव्यू लेता हूँ। सब जो बोलता हूँ तो वो दो शब्द बोले हिंदुस्तान पार्टी के बारे में, भाईचारे के बारे में, जो यहाँ का देश का भाव चल रहा है बीजेपी सरकार का इसके बारे में थोड़ा उनसे मैं मुस्लिम करता बात करता हूँ। जनाब सुधीर सिद्धू साहब, मैं सुधीर सिद्धू की वाइस चेयरमैन मुंबई, हम पवार साहब के नेतृत्व में आज यहाँ पे सरकार का प्रोग्राम था, सारे कटनी का और हमारे सारे बॉम्बे के अच्छे नाम पर हस्ती में से लोग आए और पवार साहब काफ़ी उनसे उम्मीदें जुड़ी। पवार साहब है तो सेकुलरिज्म है,
जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गवर्नमेंट की साइड में आने के बाद आरएसएस के दो कानून को ताक पर देते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं, जो सेकुलरिज्म के साथ है मुसलमान उसका साथ दे, उसका साथ ना छोड़े, क्योंकि करने वाला कुल और कल और आज दोनों बहुत खराब आने वाला है। हमारे साथ ही है जो मुसलमानों को उनके हक का हक में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये लोगों से दरख्वास्त है कि पवार साहब का साथ ना छोड़ो, एक ही वो शख्स है जो सेकुलरिज्म का हामी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये हमारे मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जुबैर सिद्दीकी साहब थे, जो आपने इनके तासर सुने। लाइव हो के न्यूज मुंबई, रफीक अहमद सैयद। हमें सफलता में दो लफ्ज अपने इस बारे में बात करें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की गिरफ्तार की दावत रखी है, तो इसका मकसद यही है कि हर साल आज 18-19 साल से ये गिरफ्तार की पार्टी पवार साहब राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ दे रहे हैं। मकसद यही है कि भाईचारा हिंदुस्तान में बना रहे, हिंदू मुस्लिम एक रहे, और शरद पवार साहब की एक ही मकसद है कि भाई 80% समाज सेवा करना है और 20% राजनीति करना है। तो उसके तहत मुसलमानों को और बहुत अच्छे से हाथ रखा, हमेशा उन्होंने एक तरफ देखा है, एक बड़े नेता के तरीके से उन्होंने मुसलमानों को संभाला है हर वक्त में, हर बुरे वक्त में। तो मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ये सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सत्ता आएगी और ये जो तकलीफ चल रही है अभी ये सब तकलीफ दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ वे कैमरामैन रफीक अहमद सैयद महाराष्ट्र मुंबई। हाँ जी, उसकी तरफ से इनका शुक्रिया।